1947 की आज़ादी और पार्टीशन के बाद हमारे देश भारत में कई सारे प्रॉब्लम्स थे, जिनमें से गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे थे। उस समय पर हमारे लीडर्स को देश को एक सफलता की ओर लेकर जाना था, जिसके लिए रूरल डेवलपमेंट ही पॉलिटिशियंस का एक बड़ा मुद्दा था। और कोई भी लीडर उस समय पर साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जरा भी गवर्नमेंट फंडिंग्स नहीं डालना चाहता था। पर हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम की कहानी एक इंसान से शुरू होती है और उनका नाम था विक्रम साराभाई, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं। उन्होंने ही उस समय पर इंडियन गवर्नमेंट को स्पेस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में फोकस करने को कन्विंस कर लिया था, और उसी स्मार्ट डिसीजन की वजह से इंडिया आज स्पेस रिसर्च, वेदर फोरकास्ट, सैटेलाइट सर्वेलेंस और टेलीकम्युनिकेशन का फायदा ले पा रहा है। और सिर्फ अपने ही कंट्री के नहीं, बल्कि और भी सारे कंट्रीज के सैटेलाइट लॉन्चेस और रिसर्च में हेल्प कर रहा है। आज हम इस वीडियो में इसरो की ऐसी ही अमेजिंग हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। इंडियन स्पेस प्रोग्राम इंडिया में 1962 में शुरू हुआ, और जब हमारी स्पेस एजेंसी बनाई गई तब उसका नाम इंकोस्पार रखा गया, और जिसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च था। और इसे सेटअप किया गया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उस समय के डायरेक्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई के हेल्प से थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन सेटअप किया गया, जो कि तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में है। और बाद में इस लॉन्चिंग स्टेशन का नाम एज अ रिस्पेक्ट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रख दिया गया। 1969 में इंकोस्पार ग्रो होकर इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गया, और 1975 आते आते 19th अप्रैल 1975 को इसरो ने हमारी फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया था। उस समय पर आर्यभट्ट का लॉन्च सोवियत यूनियन के हेल्प से हुआ था, पर 5 साल बाद से ही इसरो ने अपनी सैटेलाइट्स अपने ही लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च करना शुरू कर दिया था। और 1980 में रोहिणी हमारा फर्स्ट सैटेलाइट था, जो हमने खुद से ही ऑर्बिट में प्लेस किया था, और जिसमें हमारे इंडियन मेड रॉकेट्स SLV-3 यूज हुए थे। ऐसे ही टाइम बीतते बीतते 1990s आ गया, और 1990s आते ही इसरो ने अपने पहले PSLV रॉकेट्स बना लिए थे, जिसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाया गया था। PSLV रॉकेट का फर्स्ट लॉन्च 20th सितंबर 1993 में किया गया, पर कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से उस समय पर ये टेस्ट फेल हो गया। पर अपने सेकेंड लॉन्च के दौरान 15th अक्टूबर 1994 में ये टेस्ट सफल हो गया। और फिर आया 1999 भी इसरो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि उस साल से हमने फॉरेन सैटेलाइट्स को पहली बार लॉन्च करना शुरू किया था। उस समय पर हमने कई सारे फॉरेन सैटेलाइट्स को एक ही PSLV रॉकेट यूज कर लॉन्च किया था, और उसके कुछ ही साल बाद 2003 में इसरो ने अपने GSLV रॉकेट को भी डेवलप कर लिया था, जिससे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने लगे। ऐसे ही इसरो ने और भी सारे सैटेलाइट्स जैसे एडियोसेट लॉन्च किया, जिससे हमारे देश के एजुकेशन और बाकी सारे सेक्टर्स को भी बहुत हेल्प हुई। पर इतने साल गुजर जाने के बाद इसरो को अपने आने वाले सालों में भी और भी सक्सेस की बड़ी छलांगें लगानी थी। अक्टूबर 2008 में हमने हमारा फर्स्ट लूनर ऑर्बिटर चंद्रयान-1 लॉन्च कर दिया, जिसका मकसद था कि मून के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाना और मून की 3D टोपोग्राफी करना। इस मिशन से इसरो ने दुनिया में हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी, जब हमने मून के सरफेस पर वाटर को डिस्कवर किया था। 2011 और 13 में इसरो ने इंडिया के लिए GPS और नेविगेशन सैटेलाइट्स भी डिप्लॉय किए, जिससे इंडियन सिटीजन्स और इंडियन आर्मी को GPS और नेविगेशन में बहुत हेल्प मिली। और 5 नवंबर 2013 को इसरो ने अपना सबसे पहला और सबसे बड़ा इंटरप्लैनेटरी मिशन मंगलयान लॉन्च कर दिया, और हमारा सबसे पहला मार्स ऑर्बिटर 24 सितंबर 2014 में सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में प्लेस हो गया, और इससे इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री बन गया जो कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स तक पहुंच गया था। 2016 और 17 में भी इसरो ने ऐसे ही और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, जब उन्होंने पहली बार 20 और बाद में 104 सैटेलाइट्स एक ही रॉकेट से लॉन्च कर सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस किए। और अब रिसेंटली 2019 में भी इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया था, जिसमें इसरो एक ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर और रोवर भी मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था।
पर हमारा ये मिशन हाफ ही सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हमारा ऑर्बिटर तो मून के ऑर्बिट में प्लेस हो गया पर हमारा लैंडर मून पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। पर गाइस स्टिल इसरो ने अपनी हिम्मत जरा भी नहीं हारी है और वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर आज भी वर्क कर रहे हैं। अगर आपको इन्हें फ्यूचर मिशंस के बारे में जानना है तो आप आई बटन में क्लिक कर हमारा फ्यूचर मिशंस बाय इसरो वाला वीडियो देख सकते हैं। माय ओपिनियन द एस्पेक्ट ऑफ स्पेस रिसर्च व्हिच आई वुड लाइक टू स्ट्रेस मोस्ट इज इन रिलेशन टू द नेशनल कैपेबिलिटी द सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट दिस विल जनरेट एंड इफ आई वेयर टू गिव माय ओन इवैल्यूएशन ऑफ दिस I think the benefits of these far outweigh all the rest that we have been talking about. सो गाइज ये था हमारा एक वीडियो इसरो की हिस्ट्री के बारे में। आपका सबसे फेवरेट इसरो का मिशन कौन सा रहा है ये हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोज मिस ना कर पाए। और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस, और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।